नमस्कार, आपका YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक चर्चा करेंगे क्रॉस के विषय में, हथेली के मध्य में पाए जाने वाला रहस्यमय क्रॉस। इस प्रकार हथेली के मध्य में पाए जाने वाला रहस्यमय क्रॉस, ये हमारा हृदय रेखा होता है। हृदय रेखा जो बुध के निचला क्षेत्र और या तो शनि या गुरु या कहीं इस क्षेत्र पे जाके ख़त्म हो जाती है। और दूसरा दूसरा होता है ये हमारा मस्तिष्क रेखा, जो हमारे मस्तिष्क को नियंत्रित करता है। ये मस्तिष्क रेखा इसके बीच में बनने वाला ये रहस्यमय क्रॉस, ऐसा क्रॉस अगर किसी इंसान के दोनों हाथों में, ऐसा क्रॉस मतलब निर्दोष क्रॉस, स्वस्थ क्रॉस जिसको कहते हैं कि साफ़ सुथरा क्रॉस, निर्दोष क्रॉस, उस पर किसी तरह का दाग धब्बा या कटिंग छटिंग नहीं हो, उसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। साफ सुथरा और निर्दोष क्रॉस जो, ऐसे तो क्रॉस बहुत आदमी के हाथों में होता है, बहुत सारे इंसानों के हाथ में दिखेगी, लेकिन वो साफ सुथरा निर्दोष नहीं होता है। अगर साफ सुथरा और निर्दोष क्रॉस आपके दोनों हाथों के मध्य में बनता है, तो ऐसे जो है दुनिया में 3 से 4%, मतलब 100 में 3-4 आदमी के लोगों के हाथों में ऐसा क्रॉस देखने को मिलता है। ऐसे कहा जाता है कि सिकंदर के दोनों हाथों में ऐसा क्रॉस था। सिकंदर, हिटलर, मुसोलिनी, ये जितने बड़े बड़े शासक और तानाशाह हुए हैं, इनके हाथों में ऐसा, दोनों हाथों में ऐसा क्रॉस पाया गया है। ऐसे लोग शुरुआती दौर पे बहुत ही साधारण रहते हैं, बहुत ही नॉर्मल जीवन जीते हैं, कोई कह नहीं सकता है कि ये अचानक से निरंकुश हो जाएगा ऐसा व्यक्ति। ऐसे लोग बड़े स्तर के नेताओं के हाथ में मिलेंगे, बड़े पदाधिकारी, IAS रैंक के ऑफिसर, दबदबा वाले पदाधिकारी, दबदबा वाले नेता, ऐसे लोगों के हाथ में ऐसी मिलती है। इनकी शुरुआत बहुत ही स्लो होती है, धीरे, ये अब शुरुआती दौर पे ये अपने क्या बोलते हैं उसको, अपने भविष्य को लेके लापरवाह होते हैं, ये इतना ज़्यादा फिक्र नहीं करते हैं कि उनका क्या होगा। लेकिन जिस दिन इनकी हाथ में सत्ता आ जाती है, ये अचानक से बदल जाते हैं, ये अपने पावर को यूज करने लगते हैं। बहुत साधारण जीवन जीने वाले, जनरली ऐसे लोग साधारण जीवन जीते हैं, पढ़ाई लिखाई करना है या किसी काम में मन लगा के धीरे धीरे काम करना, ऐसे लोग होते हैं। लेकिन जब इनके हाथ में सत्ता होती है, अगर जिनके हाथ उनके सत्ता मिल गई, ये लोग अचानक से बदल जाते हैं। इनमें अच्छी आदतें पाई जाती हैं, जैसे ये शराब से दूर रहना चाहेंगे, चोरी, व्यभिचारी और भी गलत तरह के इलीगल कार्य, इन सब चीज़ों से ये दूरी है। ईमानदारी के प्रतीक होते हैं कि साफ़ सुथरे काम करो, सलीके से करो, नियम कानून कायदे से काम करो, इसके प्रतीक होते हैं। लेकिन जब ये साधारण रूप से रहते हैं शुरुआती जीवन में, अपने साधारण रूप से जीवन बिताते, कोई तो इनकी मानता नहीं है। लेकिन जब ये लोग सफल हो जाते हैं, किसी ऐसे पद पे पहुंच जाते हैं, चाहे वो बिजनेस करके पहुंचे या सेवा करके पहुंचे या नेतागिरी करके पहुंचे या जैसे भी पहुँचे, किसी आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेके पहुंचे, ऐसे लोग सफल वक्ता होते हैं, लोगों पे अपना प्रभाव छोड़ने वाले होते हैं। बस पहचानने की ज़रूरत है। ऐसे लोग, लोगों ने अगर खुद को पहचान लिया, आपके हाथों में रेखा है, सिर्फ रेखा रहने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद को पहचानना पड़ेगा। जिस दिन इन्होंने खुद को पहचान लिया, सत्ता इनके पास में आ गई, पावर इनके पास में आ गई, फिर तो ये सारे नियम कायदे कानून लोगों से मनवा के रहेंगे। ऐसे लोग तानाशाह हो जाते हैं। हिटलर के हाथों में ऐसी रेखाएं थी, मुसोलिनी के हाथों में ऐसी रेखाएं थी, जिनका नाम इतिहास में दर्ज है, भले ही लोग उसे तानाशाह कहते हो, काले अक्षर में दर्ज करके रखा हो, ऐसी रेखाएं दोनों हाथों में आपके हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में आनी चाहिए। आप अपने हाथों को देखें, गहराई पूर्वक इसका अध्ययन करें और मिलावें। अगर आपके हाथों में ऐसी रेखा बनती है, तो आप अभी से अपना सोच बदल लें, नज़रिया बदल लें, आप सफल हो सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। कोशिश करें, सिर्फ रेखाएं रहने से कुछ नहीं होती है, आपको कोशिश करना पड़ेगा, काम करना होगा। रेखाएं तो इस चीज़ को सिर्फ निरूपित करती है कि आप इस क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। ऐसे लोग कर्म प्रधान होते हैं। ऐसे लोग कर्म प्रधान मत कहने का अर्थ ये लोग जितना जिस क्षेत्र में काम करेंगे, इनकी उपलब्धि बढ़ती चली जाएगी, ये उस क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाएंगे। घर में बैठ के रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत का ज्योतिष शास्त्र, समुद्र शास्त्र, जिनमें इसका विस्तृत वर्णन है, वे कह रहे हैं। लोग सदियों से इसे मानते आ रहे हैं। अगर आपके भी हाथों में ऐसा रहस्यमय क्रॉस है और दोनों हाथों में है, तो आप किसी भी कार्य में तन मन से लग जाइए और देखिए, सफलता आपको मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें।